चैनल में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या न करें, तो पहले तो आप लोग ये जानिए कि क्या करना है। पुरुषोत्तम मास बड़े भाग्य से विष्णु भगवान और शिव जी इस बार सावन दो पढ़ रहे हैं, तो पुरुषोत्तम सावन में ही लग रहा है। दो महीने का सावन हो रहा है, इसमें विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी का भी पूजन का विधान है। पुरुषोत्तम मास में अधिक से इसको कहते हैं अधिक मास। अधिक मास का मतलब ही है कि मैं अगर कोई भी पुण्य कर्म करूं तो वो अधिक से अधिक करूं। जैसे जाप कर रहे हैं तो अधिक से अधिक जाप में लगें, ध्यान करें, भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी का पूजन अभिषेक करें, नित्य करें। सबसे पहले तो ये बात जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। इतना दिन भले जैसे मन हो तैसे सो के उठे हो, लेकिन पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही उठ करके सूर्य भगवान निकलते रहें, उस समय अर्घ देने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये कार्य जरूर करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही एक पूजा है। तो अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, किसी का दिल न दुखाएं, क्रोध करने से बच जाएं, क्रोध ना करें। पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान की मास महीना होती है, तो इन दिनों में क्रोध बिल्कुल क्रोध को पी जाइए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ व्रत ध्यान पूजा में ही समय व्यतीत हो। एक क्षण भी हमारी कीमती होती है, वो एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए। बिनो हर सांस में राम का नाम सुमिरन होता रहे। और ये कार्य न करें कि अधिक मास में मांस मदिरा अगर खाते हैं तो उसे त्याग दें, प्याज लहसुन का त्याग करें, आलस्य न करें, जब तब ध्यान में लगे रहें, क्योंकि एक महीना की तो बात है। ये सब कार्य कर लें, इस महीने में जो भी कार्य करेंगे आपका संचित हो जाएगा, पूर्व जन्म के लिए ये संचित ही माना जाएगा। ये विष्णु का महीना होता है पुरुषोत्तम मास। इन दिनों में पंचकोसी भी किया जाता है। बनारस में पंचकोसी स्थान है, वहाँ मणिकर्णिका घाट से स्नान करके वहीं से संकल्प ले करके और पंचकोसी की यात्रा शुरू करते हैं, और फिर वहीं पर आ करके मणिकर्णिका घाट में ही आ करके फिर संकल्प छोड़ते हैं, विश्वनाथ बाबा का दर्शन करके फिर घर को वापस जाते हैं। तो पंचकोसी का विशेष महत्व है, तो ये सब जरूर करें, दान करें जितना हो सके, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान होम ये सब करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्म सुख की अनुभूति होती है। अपने सुख समृद्धि के लिए जरूर ये कार्य करें। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने भाई बंधु में, ताकि सबको जानकारी हो, सबका जीवन सुधरे। और दूसरी बात कि राधे कृष्णा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज बढ़ाइए, हमको भी आगे बढ़ाइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। जय श्री राधे।